ready चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एरोमेटिक वाली थीम को ख़त्म किया था आज के लेक्चर में हम रिडक्शन की बात करेंगे आज का लेक्चर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा जेई मेंस के लिए एडवांस के लिए इवन नीट के लिए आज के लेक्चर में हम जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं जेई मेन्स जेई एडवांस और नीट में ठीक है चालू करते हैं आज हम बात करेंगे थीम ऑफ रिडक्शन के बारे में अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ रिडक्शन का मतलब क्या होता है तो मुझे बहुत सारे आंसर मिलेंगे कोई मुझे कहेगा कि भाई साहब रिडक्शन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दूसरा बच्चा मुझे कहेगा इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कोई मुझे कहेगा इसका मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हो सकता है आप में से कोई मुझे कहे कि भाई इन सबको मैं इकट्ठा ऐसे बोल सकता हूं कि जब भी आपके पास डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर तब मैं कहूंगा मेरे पास रिडक्शन हो रहा है ठीक है ये बात हमें समझ आनी चाहिए देखो मैं न यहाँ पे इस थीम की शुरुआत करूंगा एक बहुत ही बेसिक और फेमस रिएक्शन से जिसको आप क्लास टेन में भी पढ़ लेते हो सीबीएसई बोर्ड में देखो रिएक्शन क्या होता है मानो आपके पास यहाँ पे एल्किन है आपके पास एक अन सिस्टम अवेलेबल है आप इसका रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन से यहाँ पे आप निकल का प्रेजेंस रखते हो तो ऐसे में हमारे पास क्या होता था ये जो हमारा अनसेचूरेटेड सिस्टम होता था ये हमारा सैचुरेटेड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता था राइट और इस प्रोसेस में हमारे पास हीट रिलीज होती थी क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक एक प्रोसेस होता था बात समझ आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे एक अन सिस्टम होता था जिसका रिएक्शन हम करवाते थे हाइड्रोजन से यहाँ पे हम कैटलिस के तौर पे निकल कर इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट में एक सैचुरेटेड सिस्टम बनता था और इस रिएक्शन में हमारे पास हीट रिलीज़ होता था अच्छा इस प्रोसेस में हमारे पास हीट रिलीज़ होने का लॉजिक क्या है इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि नहीं आपके कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपके कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है दो नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड तो यहाँ पे वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसका मतलब आपका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब आपका एनर्जी रिलीज होगा वो एनर्जी आपका हीट के फॉर्म में रिलीज होता है इसलिए आपका ये पर्टिकुलर रिएक्शन कैसा होता है एक्सोथर्मिक होता है इस रिएक्शन का हमारे पास थीम होता है कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन यह आपने पढ़ लिया था क्लास टेन में अब देखो जेई नीट के लिए आपको क्या पढ़ना है इसी थीम को हल्का सा मॉडिफाई करना है कि अगर मैं यहां पे बात करूंगा कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में तो आप समझ चुके यहां पे हमारे पास क्या होगा यहां पे हमारे पास एक अनसेचुरेटेड सिस्टम होगा इसका रिएक्शन आप करवाओगे हाइड्रोजन से और ना आपको यहां पे कैटलिस्ट का प्रेजेंस रखना पड़ता है आपको पता होना चाहिए यहां पे हम कैटलिस्ट के तौर पे निकल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेटिनम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ पलेडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट में एक सैचुरेटेड सिस्टम मिलेगा और इस प्रोसेस में आपके पास हीट रिलीज होगा ठीक है अब देखो इसका मकेनिज्म क्या होता है आपको पता है अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के मकेनिज्म की बात करूं ना ये आपका सरफेस मकैनिज्म को फॉलो करता है सरफेस मकैनिज्म को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ देखो सरफेस मकैनिज्म को फॉलो करने का मतलब ये हुआ देखो यहां पे आपके पास क्या होगा यहां पे आपके पास कैटलिस्ट का सरफेस होगा अब इस कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर क्या होगा ना इसके ऊपर आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो जाएगा यह आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गया ठीक है आगे देखो यहां पे आपके पास क्या होगा आपका अनसेचुरेटेड सिस्टम अवेलेबल होगा और यहाँ पे आप क्या देखोगे यहाँ पे आपके पास सिंपली बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा है ना ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ऐसा करने से आप क्या देखोगे यहाँ पे क्या हुआ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एल्किन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है ना जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है वो आपका सिन फैशन में हुआ है सिन फैशन का मतलब क्या है सिन फैशन का मतलब है आपके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड एड हुए अब ये सेम साइड का मतलब क्या होता है ये सेम साइड का आपके पास मतलब क्या होता है जैसे मानो यहां पे आपके पास एल्कीन है ठीक है तो अगर आप यहां पे डालोगे निकल ओवर हाइड्रोजन तो यहां पे क्या होगा हमारे पास बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा है ना हल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा यह एडिशन हमारा सिन एडिशन होगा अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे या तो दोनों हाइड्रोजन वेज पे या तो दोनों हाइड्रोजन डैश पे ठीक है या कुछ ऐसे या कुछ ऐसे है ना लेकिन देखो यहां पे ना इन दोनों पर्टिकुलर केस में आपके पास वेज डैश का कोई मतलब नहीं क्योंकि आपके पास कोई भी कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि आप क्या देखोगे कि ये जो आपका कार्बन है ना अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो आप यहां पे देखोगे आपके इस पर्टिकुलर कार्बन का दो ग्रुप सेम है तो ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि कायरल कार्बन वो होता है जिसको चारो ग्रुप अलग हो और इस पर्टिकुलर कार्बन का ये दोनों ग्रुप सेम है ये कायरल नहीं हो सकता है सिमिलरली इस कार्बन का ये दोनों ग्रुप सेम है कायरल नहीं हो सकता है इस कार्बन का ये दोनों ग्रुप सेम है कायरल नहीं हो सकता है लॉजिक क्लियर है आपको इतना सा कॉन्सेप्ट है तो अभी ये आपके पास वेज डैश का कोई मतलब नहीं तो खाली आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनेगा अब आपको पता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भाई भाई है क्योंकि आपके हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भाई भाई मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे निकल ओवर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे भी आपके पास सिन एडिशन होगा फर्क क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम का एडिशन होगा इसका मतलब आपका दोनों ड्यूटेरियम या तो वेज पे आएगा या फिर आपका दोनों ड्यूटेरियम डैश पे आएगा ठीक है यह बात आपको समझ आ रही है अब यहां देखो अगर आप इस कार्बन की बात करोगे वेज पे ड्यूटेरियम में इसका मतलब डैश पे कौन होगा हाइड्रोजन वेज पे ड्यूटेरियम इसका मतलब डैश पे कौन होगा हाइड्रोजन डैश पे ड्यूटेरियम इसका मतलब वेज पे कौन होगा हाइड्रोजन और देखो डैश पे ड्यूटेरियम इसका मतलब वेज पे कौन होगा हाइड्रोजन तो अगर आप यहाँ पे बात करना चाहो ना इस कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग है ये आपका कायरल कार्बन है इस कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग है ये आपका कायरल कार्बन है इस मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है फिर भी इसमें सिमेट्री आ रहा है कौन सा सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो सिमिलरली ये भी कायरल है ये भी कायरल है फिर भी आपका सिमेट्री आ रहा है तो आपका दोनों हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ये बात आपको समझ आ रही है अब देखो आपके मन में सवाल होगा यहाँ पे आपके पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे है ना एक चीज मुझे बताओ बहुत सिंपल सी बात आपसे मैं पूछता हूँ ठीक है अगर मानो हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है ठीक है तो आप क्या बोलते आप ऐसा बोलते देखो कि ये कार्बन का चारों ग्रुप अलग है है ना ये कार्बन का चारों ग्रुप अलग है ये इसका फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन है जो दिखा नहीं रहे क्योंकि बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते सिमिलरली इस कार्बन का भी चार वैलेंसी अलग है ये भी कायरल है ठीक है तो आप यहाँ पे क्या बोलते देखो यहां पे आप ऐसा कुछ कहते कि एक तो आपका दोनों ड्यूटेरियम वेज पे आता एक आपका दोनों ड्यूटेरियम डैश पे आता एक आपका ऊपर वाला ड्यूटेरियम वेज पे आता नीचे वाला डैश पे आता एक आपका ऊपर वाला ड्यूटेरियम डैश पे आता नीचे वाला वेज पे आता ऐसा कुछ आप कहने का कोशिश करते लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना ये जो आपका ऊपर वाला दोनों प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड है या तो दोनों वेज वेज है या दोनों डैश डैश है इसको बोलेंगे सिस प्रोडक्ट है ना और अगर मैं नीचे वाले दोनों प्रोडक्ट की बात करूं, यहाँ पे आपका दोनों ड्यूटेरियम वेज डैश है इसको बोलेंगे ट्रांस प्रोडक्ट है ना? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास काम करता है? अब अगर मैं ऐसा कहता सुनो अगर मैं कहता कि भाई साहब मेरे पास यहाँ पे आल्किन है इसके ऊपर सिंपली अगर मैं ड्यूटेरियम का एडिशन कराता तो मैं बोलता कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड हटेगा और ड्यूटेरियम आके लग जाएगा इस पर्टिकुलर केस में मैं बोलता हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपके सिन एडिशन से बने और वो कौन से होते हैं सिस फॉर्म वाले प्रोडक्ट और एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपके एंटी एडिशन से बने और वो आपके कौन से प्रोडक्ट होते ट्रांसफॉर्म वाले प्रोडक्ट होते है ना सिस का मतलब क्या है आपका वेज वेज होता या फिर डैश डैश होता ट्रांस का मतलब क्या है आपका वेज डैश होता या फिर डैश वेज होता है ठीक है लेकिन होता क्या है ना जो आपके पास कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन होता है वो आपका हमेशा सिन एडिशन फॉलो करता है तो आपके हिसाब से यहाँ पे सिन एडिशन का ही प्रोडक्ट बनेगा मेरे कहने का मतलब क्या है सुनो आप ना यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने आइजोमेरिज्म में आपने पढ़ा था ना फार्मूला आइजोमेरिज्म में कि आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर गिनो है ना उसके बाद उस हिसाब से आपका फॉर्मूला होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है आप उस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो वो फार्मूला आपको जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का आंसर देगा वो आपका सिन एडिशन भी काउंट करेगा साथ ही साथ एंटी एडिशन भी काउंट करेगा लेकिन आपको पता है आपको यहां केवल -केवल को देखना है जिसमें केवल वेज वेज बनेगा या फिर बनेगा ठीक है मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल मानो यहां पे मिथाइल है ठीक है मैं डालता हूं निकल ओवर ड्यूटेरियम तो आपको पता है सिन एडिशन होगा सिन एडिशन का मतलब क्या है सिन एडिशन का मतलब है या तो आपका दोनों ड्यूटेरियम वेज पे या तो आपका दोनों ड्यूटेरियम डैश पे तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा सही बात है लेकिन एक चीज देखो आपको यहां पे समझना पड़ेगा जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था ना उसमें आपका ये वाला कार्बन कायरल था क्योंकि देखो उसका चारो ग्रुप अलग है तो आपको इस पर्टिकुलर कार्बन का स्टीरोमिस्ट्री नहीं पता आपको दोनों केस मानने पड़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है ये पर्टिकुलर कार्बन का ये वाला ग्रुप एक बार हो सकता है वेज पे एक बार हो सकता है डैश पे तो फर्दर इसके दो केस आएंगे सिमिलरली आपका सेकेंड वाले में भी ये वाला ग्रुप आपका एक बार हो सकता है वेज में एक बार हो सकता है डैश में तो इसके भी आपके पास दो केस आएंगे टोटल आपके पास यहाँ पे चार टाइप के प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी है अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास इस पर्टिकुलर केस का दो टाइप का प्रोडक्ट होने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता कि जो हमारा मिथाइल है वो हमारा वेच पे होगा कि डैश पे होगा क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर कार्बन के स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया नहीं आपको दोनों केस मानने पड़ेंगे ठीक है तो एक बात तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका दोनों ड्यूटेरियम किस पे होगा वेच पे होगा आपका यहाँ पे दोनों ड्यूटेरियम वेच पे होगा लेकिन हमें मिथाइल वाले ग्रुप के स्टीरो केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है तो एक बार मैं कहता हूँ ठीक है भाई साहब मिथाइल हमारा वेज पे आ जाएगा एक बार मैं कहता हूँ ठीक है भाई साहब मिथाइल हमारा डैश पे आ जाएगा सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करूँ मुझे पता है कि हमारा ड्यूटेरियम किस पे आएगा हमारा दोनों ड्यूटेरियम डैश पे आएगा लेकिन मुझे मिथाइल के स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया नहीं है तो मैं कहता हूँ एक बार वो आपके पास वेज पे आएगा एक बार वो आपके पास डैश पे आएगा तो अगर आप यहाँ पे पूछोगे आपके पास कितने प्रोडक्ट बने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड तो आपका आंसर यहाँ पे चार आ जाएगा और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगाते ठीक है देखो मैं सिंपली ऐसा करते हैं आप कि ये मिठाई है ये आपका पाए बॉन्ड है आपने यहाँ पे निकल ओवर ड्यूटेरियम डाला आप ऐसा करते ना कि आप यहाँ पे पाई बॉन्ड को हटाते और आप यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देते उस पर्टिकुलर केस में आप क्या कहते देखो उस पर्टिकुलर केस में आप कहते कि देखो इस कार्बन का चारों वैलेंसी अलग है ये भी कायरल है इस कार्बन का चारों वैलेंसी अलग है ये भी कायरल है इस कार्बन का चारों वायलेंसी अलग ये, ये भी कायरल है आप यहाँ पे बोलते कि ये मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है और इसमें आपके पास तीन कायरल सेंटर है तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फार्मूला होता है टू की पार एन एन का वैल्यू थ्री है तो आप यहाँ पे आठ प्रोडक्ट बताते लेकिन असलियत में कितने असलियत में आपके पास यहाँ पे चार प्रोडक्ट बन रहे यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे पर्टिकुलर केस में आपके पास फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि फार्मूला बताए क्या करेगा फार्मूला आपका सिन एडिशन एंटी एडिशन दोनों को काउंट कर लेगा ठीक है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिखते हो ना इसका मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे सिंपली एडिशन कराया है तो अगर आप सिंपली ट्यूटेरियम का एडिशन कराओगे दो टाइप से एडिशन हो सकता है सिन एडिशन और एंटी एडिशन तो यहाँ पे दोनों काउंट कर लिया है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है ना आपके सिन एडिशन का बनता है चार प्रोडक्ट वैसे ही आपके एंटी एडिशन का भी चार प्रोडक्ट बनता है कौन सा मैं दिखाऊं क्या जैसे ये आपके सिन एडिशन का प्रोडक्ट है ना तो ऐसे ही देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपके एंटी एडिशन का भी चार टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है कैसे देखो मुझे क्या पता है कि एंटी एडिशन में क्या होगा दोनों ड्यूटेरियम अपोजिट साइड होंगे इसका मतलब अगर ऊपर वाला वेज पे है नीचे वाला डैश पे होगा इसका दो केस होगा डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिथाइल सिमिलरली सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है आपका ऊपर वाला ड्यूटेरियम डैश पे है नीचे वाला वेज पे है इसका भी दो पॉसिबिलिटी होगा डिपेंडिंग अपॉन द कन्फिग्रेशन ऑफ मिथाइल तो एक बार आपका मिथाइल मान लेते हैं वेच पे होगा एक बार आपका मिथाइल मान लेते हैं डैश पे होगा एक बार आपका मिथाइल मान लेते हैं वेच पे होगा एक बार आपका मिथाइल मान लेते हैं डैश पे होगा तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने आ जाएंगे ये आपके पास चार के बराबर आ जाएगा इसका मतलब जो आप यहाँ पे कह रहे थे कि एडिशन के बाद हमारे पास आठ प्रोडक्ट बनेगा इस आठ में आप सिन एडिशन वाले प्रोडक्ट को भी काउंट कर रहे थे और एंटी एडिशन वाले प्रोडक्ट को भी काउंट कर रहे थे आप दोनों टाइप के प्रोडक्ट को काउंट कर रहे थे लेकिन आपको पता है कि जब आप यहाँ पे निकल ओवर ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हो तब यहाँ पे केवल केवल सिन एडिशन फॉलो होगा ठीक है और एंटी एडिशन फॉलो नहीं होगा इस वजह से ये आपका गलत है ये गलत है यहाँ पे आपका केवल केवल चार प्रोडक्ट बनेगा जो आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ अब इससे आगे की बात करते हैं देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक शॉर्टकट थीम भी होता है जो आपको पता होना चाहिए देखो अगर हमारे पास सिस कंपाउंड होता है ठीक है उसमें अगर सिन एडिशन कराते हैं तो आपके पास यहाँ पे एरिथ्रो टाइप का प्रोडक्ट बनता है ट्रांस कंपाउंड होता है सिन एडिशन कराते हैं थ्रियो टाइप का प्रोडक्ट बनता है ठीक है उसके बाद आपको जो छूटा करना है सिस कंपाउंड में कराओगे एंटी एडिशन तो आपका थ्रियो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा ट्रांस कंपाउंड में कराओगे एंटी एडिशन तो आपका एरेथ्रो टाइप का प्रोडक्ट बनता है बात समझ आ रही है ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए ये आपको हेल्प करेगा अगर कभी भी आपको प्रोडक्ट का फेशर प्रोजेक्शन बनाना हो आप यहाँ पे सोचोगे एजेथ्रो का मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो गया सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड और देखो थ्रियो का मतलब क्या हो गया सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ये बात आपको समझ आ गया ठीक है अभी देखो समझाते हैं आपको जैसे कि मानो यहाँ पे आपके पास सिस एल्कीन है ठीक है इसके ऊपर अगर आप डालोगे निकल ओवर ड्यूटेरियम आपको पता है ये आपका सिन एडिशन फॉलो करता है जब आप सिस कंपाउंड में सिन एडिशन करते हो आपका एरेथ्रो प्रोडक्ट बनता है इसका मतलब आपका सेम ग्रुप यहाँ पे सेम साइड आ जाएगा इसका मतलब आपका दोनों ड्यूटेरियम आ जाएगा सेम साइड ये भी बनेगा इसका इमेज भी बनेगा इमेज कैसे बनाते हैं यहाँ ड्यूटेरियम तो यहाँ ड्यूटेरियम आएगा यहाँ ड्यूटेरियम यहाँ ड्यूटेरियम आएगा यहाँ मिथाइल आएगा यहाँ मिथाइल आएगा यहाँ हाइड्रोजन आएगा यहाँ हाइड्रोजन आएगा ठीक है अब देखो आप यहाँ पे क्या देखोगे ये कायरल सेंटर है ये कायरल सेंटर है पर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है जब आपके पास मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो फिर भी सिमेट्री आ जाए उसे कहते हैं मीसो तो यहाँ पे मीसो बनेगा देखो यहाँ पे ट्रांस भी हो सकता है इसके ऊपर जब आप यहां पे डालोगे निकल ओवर ड्यूटेरियम यहां पे वापस से आपके पास सिन एडिशन होगा अब जब ट्रांस में आपका सिन एडिशन होता है थ्री ओ बनता है इसका मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड इसका मतलब तो आपका दोनों ड्यूटेरियम यहाँ पे अपोजिट साइड आ जाएगा ये भी बनेगा साथ में इसका इमेज भी बनेगा है ना इमेज कैसे लेते हैं यहा 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 यहां ड्यूटेरियम यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ ड्यूटेरियम यहां मिथाइल यहां मिथाइल देखो ये आपका कारल सेंटर ये आपका कारियल सेंटर ये आपका कारियल सेंटर ये आपका कारल सेंटर पहले वाले में सिमेट्री नहीं दूसरे वाले में सिमेट्री दोनों आपके ऑप्टिकली एक्टिव और दोनों आपके पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिररर इमेज है इसका मतलब दोनों आपके पेयर ऑफ़ इन है समझ आ रहा है और अगर आपके पास इन पेयर पैर इक्वी मोलर मिक्सचर में हो मतलब अगर आपके पास दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो तो ये आपस में रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए इसके अलावा देखो आपको और कुछ बेसिक बात समझ आनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा काम की है ठीक है वो क्या है देखो सुनो अगर आपके पास यहाँ पे एल्काइन है अगर आपके पास यहाँ पे एल्काइन है आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे निकल ओवर हाइड्रोजन का ठीक है तो ये आपका क्या होगा अगर एक्सेस में हुआ ना तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में इसका मतलब यहाँ पे एन ब्यूटेन आ जाएगा इसके अलावा मानो अगर यहाँ पे साइनाइड हुआ दो कुछ नहीं करना है आपको ना यहाँ पे क्या करना है बताओ यहाँ पे कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है ठीक है तो देखो जैसे हमारे पास एल्काइन में दो पाएबॉन्डे है, होता है क्या एक पाई बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो एल्काइन में दो पाई बॉन्ड टूटा दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया सिमिलरली आपको दिख रहा है नाइट्राइल में आपके पास क्या होगा दो पाई बॉन्ड है दोनों टूटेगा और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा मतलब कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे आपका अमीन बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू ठीक है तो ये आपका नाइट्राइल कन्वर्ट होगा अमीन में इसके अलावा देखो बहुत बार आपके पास यहाँ पे ये भी रहता है जैसे क्या कहते हैं जिसे हम कहेंगे आइजो नाइट इसके ऊपर अगर आप डालोगे निकल एच टू तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा दोनों पाई बॉन्ड आपका टूटेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे सी एस थ्री आएगा एन एच आएगा ठीक है और यहाँ पे भी सी एस थ्री आएगा ये आपका टू डिग्री अमीन बनेगा और पहले आपका वन डिग्री अमीन बन रहा था इसके अलावा देखो अगर यहाँ पर आपके पास असाइल हिलाइट हुआ ना इसके ऊपर अगर आप डालोगे निकल ओवर एच टू तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा आप यहाँ पे देखोगे फ़ाइनली आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है तो क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन है फाइनली यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन का अल्कोहल आ जाएगा ठीक है ये बात समझ आ रही है ना आपको तो यहाँ पे हमारे पास इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है असाइल हेलाइड यह कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में ठीक है आगे देखो अगर यहां पे आपके पास नाइट्रोमिथेन है इसके ऊपर डालोगे निकल एच टू ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथेन अमीन में मतलब आपका नाइट्रो ग्रुप भी कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में समझ आ रहा है आपको पता होना चाहिए ठीक है देखो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर आपके पास असाइल हैलाइड है उसके ऊपर अगर आप निकल एस्टर डालोगे आपके पास अल्कोहल बनेगा है ना लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे बाकी एसिड या फिर उसके डेरिवेटिव की बात करो मतलब मानो यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सलिक एसिड है या फिर यहाँ पे आपके पास एस्टर है या फिर यहाँ पे आपके पास अमाइड है इन सभी केसेस में आप देखोगे अगर यहाँ पे निकल एच टू डालते हो ना तो यहाँ पे आपके ऑर्डिनरी कंडीशन पे ना कोई रिएक्शन होता नहीं है लेकिन अगर आप यहाँ पे एल लोगे ना तो एल को ये रिड्यूस कर देगा वन डिग्री अल्कोहल में ठीक है सिमिलरली अगर यहां पे आपने कीटोन ले लिया ना तो कीटोन को भी ये काफी हद तक रिड्यूस कर देता है और यहां पे इसको रिड्यूस करेगा टू डिग्री अल्कोहल में ठीक है ये बात आपको समझ आनी चाहिए हालांकि देखो यहाँ पे बेटर क्या है ना बेटर होता है यहाँ पे पलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ एस्टू का इस्तेमाल करो ठीक है ये कहानी आपके पास होता है निकल एस्टो का जो आपको मालूम होना चाहिए जो आपको कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन के थीम में काम का है थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का कहानी समझ आ गया होगा आप देखो हम आगे की बात करते हैं आगे हम यहाँ पे बात करेंगे थीम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में देखो आपको यहाँ पे सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट जो तो समझना है ना वो आपके पास होता है एल आई ए एल एच फोर इसका नाम होता है लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड टाइम काफ़ी कम है तो जो आपके लिए काम का बात है मैं आपके लिए वही बताऊँगा जो आपसे एग्जाम में पूछता है देखो जब मैं यहाँ पर लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइड की बात करूँगा ना तो ये आपके पास कैसा होता है बहुत ध्यान से देखना देखो यहाँ पे एलुमिनियम होता है ठीक है एलुमिनियम आपका नॉर्मली तीन बॉन्ड बनाता है यहाँ पे आपका एलुमिनियम चार बॉन्ड बनाएगा ठीक है तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन होंगे अब क्योंकि यहाँ पे एलुमिनियम नॉर्मली जितना बॉन्ड बनाता है उससे एक बॉन्ड ज़्यादा बना रहा है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये फॉर्मल चार्ज है ठीक है और इसका काउंटर आइन एल आई प्लस आके चिपक जाएगा अब ये जो आपका थीम है ना इसे हम कहते हैं लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो होता है क्या है ना जब भी यहां पे कोई कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस आता है तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए ये जो आपका है ना लीदियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये ना आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स को देख रहे हो मैंने आपको बोला है कि आप ऐसा मत सोचना कि एलुमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल नहीं देखो एल्यूमिनियम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका फॉर्मल चार्ज है फॉर्मल चार्ज आपका रियल चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा ना एलुमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज है ऐसे में क्या होगा जो आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ एच माइनस ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ये मैंने आपको बता रखा है गैस प्रीवियस लेक्चर में ठीक है तो यहां पे क्या होगा ये आपके एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके ना हाइड्रोजन यहां से लीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ एच माइनस और ये जो एच माइनस होगा ना अब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का और एक बात तो आपको पता ही है जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है वो आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम भी कर सकता है न्यूक्लियर का काम भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट किसकी है अभी आपके पास यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना पड़ेगा क्योंकि उसी की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे में आप क्या बोलोगे आपका ऑक्सीजन आइटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन आइटम तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियो का रिएक्शन में आरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं आगे देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास देखो जब पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा ठीक है आगे जाके जनरली हम क्या करते हैं प्रोटिक वर्कअप करते हैं ये आपको मेंशन नहीं हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट कराना होता है तो आप यहां पे प्रोटिक वर्कअप करोगे तो क्या होगा ओ नेगेटिव को एच प्लस मिल जाएगा तो बेसिकली यहां पे आपका ओ OH एच और एच आके लग गया तो इस पूरे थीम में हम करते क्या यहाँ पे हम कार ग्रुप की जगह पे ओ OH एच और एच ला के लगाते हैं ठीक है थीके? तो एक चीज देखो आपको अगर इतना लंबा बार बार नहीं करना है आप यहां पे शॉर्टकट बना सकते हो शॉर्टकट क्या है ना शॉर्टकट बहुत ही सिंपल सा है कि कभी भी आपको यहां पे लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड दिखे उसका काम होगा H माइनस टोनर खत्म कहानी चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम बात करेंगे लीदियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिडक्शन के बारे में मैं आपको मेजोरिटी के इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है देखो सबसे पहले आएगा रिडक्शन ऑफ एलडी हाइट्स जैसे कि मानो यहां पे आपके पास एक एल डी हाइड है अगर आप यहां पे डालोगे लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता है लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है एच माइनस डोनर तो ये एच माइनस डोनर का काम करेगा आपको पता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन क्योंकि आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे आगे जा क्या करेंगे प्रोटीक वर्कअप तो यहां पे ओ एच आ जाएगा यहां पे एच यहां पे एच अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो भी बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा कराना है तो हमने क्या देखा जब हम यहाँ पे एल का रिडक्शन कराते हैं लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास वन डिग्री अल्कोहल बनता है ठीक है आगे बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कीटोन्स के बारे में अगर देखो मैं यहाँ पे कीटोन्स का रिडक्शन कराने का कोशिश करूँ फॉर एग्जाम्पल आर C डबल बॉन्डो आर डैश अगर मैं यहां पे डालूंगा लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड तो इसका काम होगा H माइनस डोनर अगेन आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू तो कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मैरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे आगे जाके हम यहां पे प्रोटिक वर्कअप करेंगे तो ऐसा करने से यहां पे क्या होगा ध्यान से देखो आपके पास प्रोडक्ट में ऐसा कुछ बनेगा आपको पता है प्रोटिक वर्कअप में क्या होगा आपका ओ नेगेटिव एच प्लस को कैच कर लेगा तो आपको यहां पे समझ आ रहा है कि पहले यहां पे आपके पास कीटोन था जिसको हमने रिड्यूस करके कन्वर्ट कर दिया टू डिग्री अल्कोहल तो आपको यहां पे समझ आना चाहिए जब आप एल डी हाइट का करो रिडक्शन तो आपका बनता है वन डिग्री अल्कोहल, जब आप कीटोन का करो रिडक्शन आपके पास बनेगा टू डिग्री अल्कोहल, ठीक है आगे की बात करते हैं आगे देखो यहां पे हमारे पास आएगा रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप जैसे मानो आपके पास यहां पे कैस्टर है फॉर एग्जाम्पल आर है सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश इसका रिएक्शन अगर आप कराओगे लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड से आपके पास क्या होगा आपको पता है लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम होता है H माइनस डोनर ठीक है आप यहां पे क्या बोलोगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एस कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा डेल 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 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर का, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में आरोप न्यूक्लियो फाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे अब देखो यहाँ पे ना मैंने आपको बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लेक्चर में भी कि आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है आपको चेक करना है कि क्या कार्बन के ऊपर कोई भी लिविंग ग्रुप जुड़ा है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो आपका ओ आर होता है ये आपका एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या होगा ना आपका ये ओ नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा ओ आर माइनस के फॉर्मेट में क्योंकि ओ आर माइनस हो गया गुड लिविंग ग्रुप तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एल बनेगा ठीक है अभी मैंने आपको दिखाया ये वापस रिएक्ट करेगा हाइड्राइड से यहां से डोनर का काम होगा आपको पता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ऑक्सीजन आइटम का ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन आइटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा कार्बोनिल कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा का काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मैरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे ठीक है आगे जाके हम यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करेंगे नहीं भी लिखा हो तो भी कराना है तो ओ नेगेटिव एच मिलेगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो कि आपके पास वन डिग्री एल्कोहल है सही है ये आपको समझ आया ऐसे ही देखो आप यहां पे कर सकते हो रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड जैसे कि मानो यहां पे हमारे पास एनहाइड्राइड हो है ना अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना अच्छा एक चीज़ देखो मैं आपको बताना भूल गया ये जो आपका ओ आर माइनस बाहर निकले ये क्या करेगा ये ना आपका प्रोटिक वर्कअप कर लेगा जब ये आपका प्रोटिक वर्कअप कर लेगा तब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आर ओ एच ठीक है तो यहाँ पे ये एल्कोहल भी बनेगा साथ में ये आपका आर डैश वैच भी बनेगा ठीक है क्योंकि ये ओ आर डैश है अब देखो यहाँ पे आते हैं तो ये आपका काम करेगा H माइनस डोनर का आपको पता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन एटम का ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में आरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा अब देखो ये जो आपका होता है ना पूरा ये भी आपका गुड लिविंग ग्रुप का काम करता है आप बोलोगे मुझे कैसे पता मैं समझाऊंगा ठीक है नेगेटिव अंदर आएगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आएगा लीव कर जाएगा गुड लिविंग ग्रुप बनके ऐसा करने से देखो आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा और मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार अभी एल एलडी हाइट के ऊपर जब आप लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे और उसके बाद प्रोटेक का फाइनली आपका वन डिग्री एल्कोहल बनेगा है ना ऐसे देखो इंटरेस्टिंग कहानी यहां से है ये आपका गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है सुनो देखो अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है जो निकलने के बाद स्टेबल बन जाए ये निकलेगा इस फॉर्मेट में जब ये बाहर निकलेगा ना तो ये जो आपका स्पीशी आपको दिख रहा है ये आपका रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइज है जो इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाते हैं जो भी स्पीशी निकलने के बाद स्टेबल बन जाए उसको बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप जब कोई स्पीशी निकलता है हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है तो ये आपका रेजोन स्टेबलाइज है समझ आया अभी देखो इसके पास क्या होगा ये जो आपके पास है ना गुड लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद ये प्रोटिक वर्कअप से H प्लस को कैच करेगा यह आपका एसेड बनेगा ठीक है मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूँ देखो जब आप इसके ऊपर डालोगे वापस लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइट ठीक है आपको डालना नहीं पड़ेगा आपके पास मीडियम अवेलेबल है बस इस्तेमाल करना है तो ये वापस आपका H माइनस का डोनर का काम करेगा आपको पता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन आटम का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तो कार्बन आइटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अब तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन मैरू चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाते हैं ऐसा कुछ बनेगा आगे जाके यहाँ पे प्रोटीक वर्कअप होगा अब देखो आपको एक बेसिक बात पता है कि एक कार्बन के ऊपर दो एच अनस्टेबल होते हैं तो आप यहां से पानी को बाहर निकालोगे तो आपके पास वापस से एल्डिहाइड बनेगा ठीक है आगे देखो वापस रिएक्ट करेगा लीदियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से फाइनली देखो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा आगे जाके वापस यहाँ पे क्या होगा प्रोटिक वर्कअप होगा तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट तो एक प्रोडक्ट ये आएगा एक आपका प्रोडक्ट ये आएगा ठीक है अच्छा देखो ये ना आपका आरडैश था तो हर जगह आरडाश आ जाएगा समझ आ गया ना आपको तरीका मेरे ख्याल से आपको तरीका समझ आ गया होगा और ऐसे ही आपको डायरेक्टली ध्यान भी रखना है ये मैंने आपको दिखाई दिया हालांकि फिर भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली ध्यान रखना है मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास कार्बोक्सलिक एसिड है ना अगर आप यहाँ पे डालोगे लीदियम एलुमीनियम हाइड्राइड पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा लेकिन उसके बाद हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा वन डिग्री एल्कोहल में ठीक है ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया समझ आया तो आपको यहां तक की कहानी समझ आ गई अब देखो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो हमारे पास होता है एन फोर देखो हमने यहाँ पे बात की लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की है ना अब नंबर टू पे हम बात करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड की एनए फोर इसका आपके पास फुल फॉर्म होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड इसका आपके पास फुल फॉर्म क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड सवाल है इसका आपके पास स्ट्रक्चर कैसा होगा बहुत ही ध्यान से देखना यहाँ पे आपके पास बोरॉन होगा अब आपका बोरॉन नॉर्मली तीन बॉन्ड बनाता है क्योंकि ग्रुप थर्टीन का एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे चार बॉन्ड बनाएगा जिस वजह से बोरॉन के ऊपर एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका एन ए प्लस आयन काउंटर आयन बन के यहाँ पर लगा रहेगा ठीक है ये हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप से तो अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ पे क्या होगा देखो आपको पता है जैसा हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हुआ था ना वैसा ही हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड में होगा अब देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में क्या हुआ था हमारे पास हमने बोला था कि ये जो आपके पास होता है एलुमिनियम हाइड्राइड ये अपना H- को डोनेट करता है और यहाँ पे H- काम करता है न्यूक्लियोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कार्बोनिल ग्रुप काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा ये आपका काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का क्योंकि ये क्या करेगा यहाँ पे जो बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना ये जो हमारे पास बोरऑन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एच माइनस और ये एच माइनस यहां पे काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का और जब हमारा यहां पे बोरोन हाइड्राइड या बोरोहाइड्राइड ये हमारा काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का उसके प्रेजेंस में क्या होगा हमारा कार्बोनिल ग्रुप काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा ऑक्सीजन आइटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन आइटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का तो यहां पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करेगा अब आपको पता है रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि आपके रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे ऐसा करने से क्या होगा देखो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा आगे जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करा देंगे अगर आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप करा दोगे तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होता है आपके ओ नेगेटिव को एच प्लस मिल जाएगा इसका मतलब यहाँ पे देखो फाइनली क्या आएगा यहाँ पर ओएच आ जाएगा इतना सा आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आपको यहां पे शॉर्टकट मोड में क्या पता होना चाहिए आपको खाली इतना पता होना चाहिए जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है यह आपके एच माइनस डोनर का काम करता है इतना बात आपको पता होना चाहिए देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हमारे एच माइनस डोनर का काम करता था और हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यहाँ पे एच माइनस डोनर का काम करता है तो ये दोनों हमारे पास एच माइनस डोनर का काम करते हैं दोनों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के कैटेगरी में आते हैं दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है फ़र्क क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ क्या अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ रिडक्शन ऑफ एल तो जैसे हमने लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइड के हेल्प से एल को रिड्यूस किया था वैसे ही हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के हेल्प से भी एल को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे देखो ये हमारे पास एल है ठीक है अगर हम इसके ऊपर डालेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का, का काम होता है एच माइनस को देना क्योंकि आपको पता है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइट काम करता है एच माइनस डोनर का तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का Osionfish. आप क्या बोलोगे आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा यहां पे डेल पॉजिटिव आएगा का, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा का, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का एच माइनस काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ऐसा करने से पाए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे तो देखो यहां पे क्या आएगा ओ पे नेगेटिव आएगा एच ने अटैक किया और एक एच यहाँ पे जुड़ा हुआ था आगे जाके हम यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप कर देंगे प्रोटिक वर्कअप का मतलब क्या होता है ओ नेगेटिव को एच प्लस मिल जाना तो यहाँ पे आपके पास ओ एच आ जाएगा ये एच ये एच तो यहाँ पे आपके पास वन डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर सकते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में एकदम जैसा हमने लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड के केस में किया था ना वैसा ही हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में भी करेंगे वैसा ही हम यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में भी करेंगे अब देखो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कीटोन में क्या होगा कीटोन हमारे पास क्या होगा आर सी डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ आर डैश होगा इसके ऊपर डालेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइट आपको पता है आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट काम करेगा एच माइनस डोनर का ठीक है तो ये आपका यहाँ पे काम करेगा एच माइनस डोनर का तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का आप क्या बोलोगे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा डेल नेगेटिव आएगा डेल पॉजिटिव आएगा तो ये कार्बोनिल कार्बन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन में आर चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल ये इसके ऊपर अटैक करेगा पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा ऐसा करने से ओ पे नेगेटिव आएगा यहाँ पे एच आके लग जाएगा यहाँ पे आर डैश था आगे जाके आप यहाँ पे प्रोटिक वर्कअप कराएंगे तो प्रोटिक वर्कअप से क्या होगा आपके ओ नेगेटिव को एच प्लस मिलेगा फाइनली आपके पास यहाँ पे टू डिग्री अल्कोहल बनेगा ठीक है ये समझ आ गया उसके बाद देखो जैसा हमने किया है एल्डिहाइड में कीटोन में ऐसा आप कर सकते हो ये बात आपको समझ आ गई देखो हमें यहाँ पे हल्का सा बात करना था हमारे पास डिफरेंस क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वर्सेस सोडियम बोरोहाइड्राइड में अगर आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको काफ़ी हद तक दोनों देखने में सेम लगेगा रीज़न क्या है क्योंकि देखो आपका लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइड क्या होता है यहाँ पे आपका एलुमिनियम चार बॉन्ड बनाता है क्योंकि आपका एलुमिनियम चार बॉन्ड बना रहा है नॉर्मली बनाता है तीन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आता है जिस वजह से आपका एल आई प्लस आके यहाँ पर लग जाता है यहाँ पर क्या होता है आपका बोरॉन यहाँ पे चार बॉन्ड बनाता है नॉर्मली आपका बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है क्योंकि यहाँ पे बोरॉन आपका चार बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे आपके पास फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आता है और आपका एन ए प्लस आके यहाँ पे लग जाता है ठीक है ये दोनों का स्ट्रक्चर होता है दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको देखने में काफ़ी हद तक एक जैसा लग रहा होगा है ना और आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है ये हमारा काम करता है एच माइनस डोनर का और ये भी हमारा काम करता है एच माइनस डोनर का लेकिन देखो बहुत इंटरेस्टिंग फर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है दोनों में कि जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइट होता है ना इसे हम मानेंगे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइट को मानेंगे लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट अब आप बोलोगे ऐसा क्यों इसका रीजन क्या है ना ये ना आपका लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइट बहुत ही इजीली एच माइनस को डोनेट करता है लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो इसके लिए एच माइनस का डोनेशन कैसा होता है वो आपके पास कंपेरेटिवली कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है ठीक है ये बात आपको समझ आना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ अगर आपका लीदियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही आसानी से एच माइनस को डोनेट कर पा रहा है तो यह काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा लेकिन क्योंकि आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड एच माइनस को उतने आसानी से डोनेट नहीं कर पाता यह थोड़ा कम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा अब देखो इस बात का आपके पास सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको इस बात का सिग्निफिकेंस समझाने की कोशिश करता हूं ठीक है जैसे कि बहुत ही ध्यान से देखना मानो यहाँ पे हमारे पास एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है और मानो यहाँ पे हमारे पास एसिड का डेरिवेटिव है ठीक है जैसे मानो यहाँ पे हमारे पास ओ OH एच के जगह पे एन एस्टू ग्रुप है इसका नाम होता है अमाइड या फिर मानो हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है आर सी डबल बॉन्डो ओ आर डैश इसका नाम होता है एस्टर या फिर मानो यहाँ पे हमारे पास एन हाइड्राइड है इन सबको हम एसिड का डेरिवेटिव कहते हैं ठीक है थीके? इसका नाम हो जाएगा एन हाइड्राइड देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना अगर आप यहां पे लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो इन सभी केस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे एसिड में डालो लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देखो अगर आप रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखोगे आपको पता है यहां पे आपको प्रोटिक वर्कअप कराना पड़ेगा लेकिन जो आपका प्रोटिक वर्कअप कराना है बहुत ही बेसिक सी बात होती है वो आपको मेजोरिटी केस में ऑबियस माना जाता है उसको एग्जामिनर नहीं लिख के देता है बहुत केस में तो आपको समझना है वो आपका ऑब्वियस है तो अगर आप लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड को डालोगे एसिड के ऊपर तो यहां पे आपके पास क्या होगा आपका एसिड आपको पता है पहले कन्वर्ट होगा एल डी में फिर कन्वर्ट होगा वन डिग्री एल्कोहल में तो ये आपका वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप यहां पे अमाइड के ऊपर डालोगे लीदियम एलुमिनियम हाइड्राइड क्या होगा आप सब होगा ये सब डायरेक्टली याद होगा ही फायदा होगा आपको यह आपका अमीन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एस्टर के ऊपर डालो लीडियम एल्युमिनियम हाइड्रेट आपको पता है क्या होता है दोनों पोर्शन अपने अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब यहां पे आ जाएगा आर सी एच टू ओ एच और यहाँ पे आ जाएगा आर डैश ओ एच अगर आप एन के ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालो क्या होगा दोनों पोर्शन अपने अपने करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहां से आएगा आर सी एच टू एच दो मोल ठीक है ये भी आपका वन डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये आपको पता होना चाहिए इंटरेस्टिंग बात क्या है अगर आप इन सभी के ऊपर डाल दोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड तो आपको यहां पे नो no रिएक्शन मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन सभी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता इसका मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पे इसको रिड्यूस नहीं करेगा समझ आ रहा है आपको तो मैंने आपको बोला था ना कि आपका लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन आपका सोडियम बोरोहाइड्राइट लेस पावरफुल लेस अग्रेसिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है उस बात का आपको सिग्निफिकेंस समझ आया आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है ये काम केवल केवल लीदियम एलुमिनियम हाइड्रेट करेगा ये काम आपका सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं कर सकता अगर आपको अमाइड को अमीन में कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ लीदियम एलुमिनियम हाइड्रेट करेगा सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं कर सकता एस्टर का एल्कोहल बनाना है या फिर एनहाइड्रेट का एल्कोहल बनाना है ये काम आपके पास केवल केवल कौन कर सकता है केवल केवल लीडियम एलुमिनियम हाइड्रेट कर सकता है सोडियम बोरोहाइड्रेट ये काम नहीं कर पाएगा लेकिन एक जो हमारे पास एसिड डेरिवेटिव बच गया असाइल हेलाइड इस असाइल हेलाइट को ना लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों ही रिड्यूस कर सकते हैं कैसे अगर इसके ऊपर मैं डालूंगा लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो सबसे पहले कन्वर्ट होगा एल में फाइनली कन्वर्ट होगा वन डिग्री एल्कोहल में ये काम आपका लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी करेगा या फिर ये काम आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करेगा दोनों आपके ये काम कर देंगे इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि देखो दोनों यहां पे एच माइनस डोनर का काम करेंगे तो आपके पास यहां पे फाइनली ऐसा कुछ बन रहा होगा जिसके ऊपर आप प्रोटिक वर्कअप कराओगे तो फाइनली आपके पास ऐसा कुछ बनेगा है ना ये समझ आ गया आपको अच्छा एक चीज देखो मैंने आपको क्या बोला है कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो अगर आप इसके ऊपर लीदियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा वन डिग्री एल्कोहल में लेकिन ये काम आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पाएगा है ना? लेकिन देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे रिएक्शन का काफ़ी पोअर ईल्ड आता है तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा मेथड पता है कौन सा है आप ना यहाँ पे डायबोरिन का इस्तेमाल करो वो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट का, का काम कर देता है तो आप यहाँ पे बी टू एथिक्स का इस्तेमाल करो साथ में वाटर डाल दो तो आपका ये काम बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से हो जाएगा ठीक है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है मीन के लिए राइट right? यह समझ आ गया आपको पूरा कहानी अब देखो हम यहां पे बात करेंगे हमारे थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो हमारे पास होता है डीबाल अब देखो सबसे पहली बात हमारे पास डीबल एच का फुल फॉर्म क्या होता है इसका हमारे पास फुल फॉर्म होता है आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका फुल फॉर्म क्या होता है डाई आइजोब्यूटाइल एलुमिनियम हाइड्राइड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा यहाँ पे आपके पास एलुमिनियम होगा इसके बाद इसके पास दो आइजोब्यूटाइल ग्रुप होगा आइजो ब्यूटाइल ग्रुप कैसे बनता है देखो अगर आप वाई बनाओ इसका मतलब होता है आइजो प्रोटाइल अगर आप वाई में सी एच टू लगाओ इसका मतलब होता है आइजोब्यूटाइल तो ये आपका पहला आइजोब्यूटाइल ग्रुप ये आपका दूसरा आइजोब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे आपका एक बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन के साथ इसे हम कहते हैं डी या फिर डाई आइजोब्यूटाइल एलुमिनियम हाइड्राइड इसे हम कहते हैं डी या फिर डाय आइजोब्यूटाइल एलुमिनियम हाइड्राइड अब देखो इसके बारे में काफी खास बात है देखो हम जब यहाँ पे बात करते हैं ना लीडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की आप कह सकते हो ये ना आपके न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ये जो आपका होता है ना डी बाल ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या मतलब है इस बात का मैं आपको समझाता हूँ अब एक चीज देखो ना अगर मैं बात करता हूँ लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड की वहां पर आपका एलुमिनियम चार बॉन्ड बनाता था हाइड्रोजन के साथ तो वो आपका एच माइनस को डोनेट करता था आसानी से अगर मैं बात करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो वहां पे आपका बोरोन चार बॉन्ड बनाता था हाइड्रोजन के साथ और वो वहां पे एच माइनस को डोनेट करता था आसानी से लेकिन यहाँ पे देखो आपका एलुमिनियम टोटल तीन ही बॉन्ड बना रहा है और उसमें से यहाँ पे एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है अब अगर आप सोचो ना कि यहाँ पे भी आप H- को डोनेट करा दो ऐसा हो नहीं पाएगा ऐसा आसानी से नहीं हो पाएगा रीज़न क्या है समझो लीडियम एलुमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड में एच का डोनेशन आसान था तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा कैसे काम होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बहुत ही ध्यान से देखना इसको ना आपको याद रखो तो ज़्यादा फायदा होगा आपको एक्चुअली यहाँ पे ना इसके दो तीन काम ही याद रखने हैं बहुत ज़्यादा काम याद नहीं रखने हैं और दो तीन काम बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने मेनली आपको इसका दो काम ही दिखेगा जिसके लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पता है क्या आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कभी भी आपके पास नाइट्राइल हो उसके ऊपर आप यहाँ पर डाल दो डी बल एच तो ये कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में और कभी भी आपके पास यहाँ पे एस्टर हो कभी भी यहाँ पे आपके पास एस्टर हो और आप यहाँ पे डी बाल एच डालो तो ये कन्वर्ट कर देगा दोबारा एल में केवल आपको यही बात पता होनी चाहिए ठीक है अगर आपके पास नाइट्राइल हो इसके ऊपर अगर आपने डी बल एच डाला कन्वर्ट कर देगा एल में अगर आपके पास एस्टर है और आपने इसके ऊपर डी बल एच डाला कन्वर्ट कर देगा एल डी हाइड में देखो अगर यहाँ पे हम बाकी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते तो क्या होता आपका नाइट्राइल जनरली कन्वर्ट हो जाता अमीन में और आपका एस्टर कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका और यही दोनों आपको मेनली मेंस में दिखेगा इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन देखो मेरा काम क्या है आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना ना कि आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बनाना तो इसकी यही दोनों मेन काम है इसके आपके पास यही दोनों मेन काम है देखो बस मैं आपके इंटरेस्ट के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए आपको हल्का सा मैकेनिज्म समझाने का कोशिश करता हूँ ठीक है कोई भी एक केस का देख लेते हैं फॉर एग्जाम्प फर्स्ट वाले केस का देख लेते हैं ठीक है थीके? क्योंकि आपको सेकंड वाले केस का आसानी से मिल जाएगा कहीं पर भी देखो इसको ना मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि एलुमिनियम है मैं ना आइजो ब्यूटाइल ग्रुप को ऐसे दिखा देता हूँ आई बी यू शॉर्ट फॉर्म में तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है ठीक है अब देखो मैं आपको समझाता हूं देखो ये हमारे पास नाइट्राइल है ठीक है अभी देखो नाइट्रोन बल लोन पेयर होते हैं ठीक है और ये हमारे पास डी बल एच है अच्छा यहां पे आपको दिख रहा है डी बल एच कितने बॉन्ड बना रहा है आई मीन डी बल एच में एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है आपको दिख रहा होगा डी बल एच में आपका एलुमिनियम तीन बॉन्ड बना रहा है क्योंकि डी बल एच में आपका एल्यूमिनियम तीन बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब एलुमिनियम के पास छः इलेक्ट्रॉन हो गए इसका मतलब यहाँ पे एलुमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि एलुमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशी का काम करेगा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और नाइट्रोजन के पास लोनपैर है ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्या मैं आपको एक महीने से कह रहा हूँ रिएक्शन में आर चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल तो ऐसा करने से यहाँ पर आपके पास क्या होगा बहुत ध्यान से देखना आर आएगा सी आएगा ट्रिपल बॉन्ड एन आएगा यहाँ ए एल के साथ बॉन्ड आएगा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट किया अब देखो एल्यूमिनियम पहले न्यूट्रल था इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिला इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा अब देखो जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा अब यह आसानी से H- को डोनेट कर सकता है ये क्या करेगा अपने H- को माइग्रेट कर देगा इस कार्बन के ऊपर ऐसा क्यों होगा देखो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे तो पागल हो जाता है वो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दोगे वो तो पागल हो जाएगा बहुत तेजी से सराउंडिंग आइटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा डल पॉजिटिव चार्ज आएगा समझे तो यहाँ पे क्या हुआ H- का माइग्रेशन होगा इसके ऊपर जब H- के ऊपर अटैक करेगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन के पांच बॉन्ड बन रहे होंगे जो कि पॉसिबल नहीं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ठीक है तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ देखो आर आएगा सी एच आ गया इसके पास डबल बॉन्ड एन आएगा यहाँ एल्यूमिनियम यहां आइजोब्यूटाइल ठीक है है ये जो हमारे पास बना इसको पेज वापस दिखाने की कोशिश करता हूं आगे जाके देखो हम यहां पे हाइड्रोलिसिस करेंगे मुझे याद नहीं मैंने आपको इस बैच में इस कोर्स में हाइड्रोलिसिस का शॉर्टकट बताया कि नहीं देखो हाइड्रोलिस में क्या होगा ना आपको यहां पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे आप दो बॉन्ड तोड़ोगे और यहाँ पे आप पानी जोड़ोगे ठीक है अब जब आप पानी जोड़ोगे ना तो देखो आपको दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखूँ तो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन उसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा देखो पानी जोड़ते हुए शॉर्टकट क्या है ना जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव आए ना उसको आपको ऑक्सीजन देना है और जिसके ऊपर डेल नेगेटिव है उसको आपको हाइड्रोजन देना है इसको तोड़ देना है तो यहां से आपको दिख रहा है आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आर आ जाएगा सी डबल बॉन्डो एच ये आपका एल डी आ जाएगा साथ में आपका यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो यहाँ एल्यूमिनियम आई बी यू आई बी यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एच टू है ना ये आपका साइड प्रोडक्ट है लेकिन आपको खाली मेन प्रोडक्ट से मतलब है हालांकि देखो डी बल एच का बिल्कुल काम का नहीं है मेन्स के लिए एक परसेंट भी काम का नहीं है ये बस मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया ठीक है मेन का आपका आपका ये चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए जो आपको पता होना चाहिए नाइट्राइल को केवल केवल डी बल एच एल डी हाइट में कन्वर्ट कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट में और एस्टर को भी केवल डी बल एच एल डी हाइट में कन्वर्ट कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट्स में अब देखो इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूँ आपको ना रिडक्शन के नाम पे एक और बहुत ही थी इम्पॉर्टेंट थीम का आइडिया होना चाहिए ठीक है वो इम्पॉर्टेंट थीम कौन सा है बहुत ध्यान से देखना सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से ये इम्पॉर्टेंट थीम आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली इस्तेमाल होता है एक तो देखो कभी भी अगर आपके पास एल्काइनो कभी भी आपके पास यहाँ पे एल्काइनो इसको आपको कन्वर्ट करना एल्किन में इसके आपके पास दो थीम होते हैं आपको मालूम होना चाहिए एक आप यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन साथ में पलेडियम और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का प्रेजेंस रखो इसे बोलेंगे लिंडलार का थीम ठीक है तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है सिस एल्किन बनता है अगर आपने जोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा सिस एल्कि का मतलब होता है यहाँ पे आपका सेम ग्रुप सेम साइड होगा ठीक है तो ये सिस एल्कीन बनेगा और अगर आप इसके ऊपर डालोगे सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया ठीक है तो यहां पे आपका पर्च रिडक्शन का थीम काम करेगा यहां पे आपका ट्रांस साइल्किन बनेगा यह बात आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए यह आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है इसका मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है हालांकि मैकेनिज्म आपको आता भी है यार कैसे आप एक चीज देखो अगर मैं यहाँ पे केवल केवल हाइड्रोजन ओवर पलेडियम लेता थीम होता है हाइड्रोजनेशन का उस केस में क्या होता आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता उस केस में आपका एल्काइन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में यहाँ पे हमने बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया है जो कि हमारा कैटलेटिक पॉइजन का काम करेगा जो कि हमारे क्या करेगा जो कि हमारे एल्काइन को एल्कीन में रोक देगा एल्केन में जाने नहीं देगा ये बात आपको समझ आनी चाहिए इसके अलावा देखो यहाँ पे सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया काम करेगा बर्ड्स रिडक्शन का और यह आपके ट्रांस एल्किन में इसको कन्वर्ट करतेगा ठीक है तो यह बात आपको समझ आ गई तो इसे बोलेंगे लिंड लार का थीम है ना और इसे बोलेंगे बर्ड्स रिडक्शन इसके अलावा देखो आपको बेसिक लेवल पे एक और थीम पता होना चाहिए कभी भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो और कार्बोनिल ग्रुप से मेरा मतलब है वो आपका या तो एल हाइट का हो या फिर आपके कीटोन का हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अगर इसे कन्वर्ट करना है हम लोग को सी एच टू में मेथिल में इसका हमारे पास केवल दो ही रास्ता होता है पहला रास्ता हमारे पास होता है क्लिमेंसन रिडक्शन का जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जिंक अमलगम का साथ में यहाँ पे एच का प्रेजेंस रखते हैं ठीक है थेके? और यहाँ पे दूसरा रास्ता इसका क्या होता है वल्फ रिडक्शन। यहाँ पे आप क्या करते हो यहाँ पे आप हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हो इसका मतलब NH2NH2। NH2. साथ में यहाँ पे बेसिक मीडिया का प्रेजेंस होता है साथ में कभी कभार यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का भी प्रेजेंस देखा जाता है ये दोनों ही आपके पास क्या करता है एल या फिर किटोन के, के कार्बोनिल ग्रुप को सी में कन्वर्ट करता है आपको ध्यान ही रखना है ना कि अगर आप क्लेमेंसन का इस्तेमाल करोगे तो जो भी आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है वो भी आपका इफेक्ट हो सकता है जैसे कि पाइबोंड हो गया या ओ OH ग्रुप हो गया वो सब भी आपके मॉलिक्यूल में इफेक्ट हो सकते हैं तो आपके पास जहाँ पे भी मॉलिक्यूल में एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो जो कि आपके एसिडिक मीडिया से अफेक्ट हो जाते हो वहाँ पर आपको वुल्फ किशनर का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां पे आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप हो जो कि बेस के प्रेजेंस से अफेक्ट हो जाता है वहां पे आपको क्लिमेंसन रिडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए समझ आ रहा है आपको तो क्लीमेंसन का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए जहां पे आपके पास बेस सेंसिटिव ग्रुप्स हो क्योंकि अगर आपने वहां पे वुल्फ किश्नर का इस्तेमाल किया तो आपके बेस सेंसिटिव ग्रुप्स अफेक्ट हो जाएंगे और वुल्फ किश्न का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हो क्योंकि वहाँ पे अगर आपने क्लेमेंसन का इस्तेमाल किया तो आपके ग्रुप्स अफेक्ट हो जाएंगे ये बात आपको समझ आनी चाहिए एक देखो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम होता है जिसे बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का और ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोटेक्शन ऑफ़ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है देखो अगर मानो आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ठीक है मानो यहाँ पे कीटो ग्रुप है और यहाँ पे एसिड ग्रुप है अगर आप इसके ऊपर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे क्या होगा आपको पता है लीदियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपके कीटो कन्वर्ट कर देगा टू डिग्री एल्कोहल में एसिड को कन्वर्ट कर देगा वन डिग्री एल्कोहल में फाइनली आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा लेकिन मानो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा कीटो ग्रुप रिड्यूज़ ना हो केवल केवल हमारा एसिड वाला ग्रुप रिड्यूज़ हो जाए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कीटो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वो प्रोटेक्शन कैसे करेंगे ध्यान से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम डाल देंगे इथिलिंग ग्लाइकॉल अब ये हमारे पास क्या करेगा शॉर्टकट मोड में देखो हम यहाँ पे इथलिन ग्लाइकोल को ऐसे दिखाएंगे और हम यहाँ से पानी को बाहर निकाल देंगे ठीक है अगर आप यहाँ से पानी को बाहर निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ पे दो एसेटल लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा याद है मैंने आपको बोला था अगर एक कार्बन पे एक ओ OH एच होता है एक ओ आर होता है उसे कहते हैं हेमी एसिटल अगर एक कार्बन पे दोनों ओ आर होता है उसे कहते हैं एसेटल तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन के ऊपर दोनों ओ आर ग्रुप लगे इसको मतलब ये आपका एसेटल लिंकेज में काउंट होगा ठीक है कार्बन के ऊपर दोनों ओ आर ग्रुप लगे इसका मतलब ये आपका Acetyp में काउंट होगा का। तो ऐसा कुछ हमने कर लिया अब देखो ये जो आपका लिंकेज बन गया ना एसेटल लिंकेज ये आपका केवल एसेड सेंसिटिव होता है ये जो आपका एसेटल लिंकेज यहाँ पे बन गया ये आपका केवल केवल कैसा होता है एसिड सेंसिटिव लिंकेज होता है ये आपका केवल केवल कैसा होता है एसिड सेंसिटिव लिंकेज होता है अब क्योंकि आपका ये केवल केवल एसिड सेंसिटिव लिंकेज होता है तो ऐसे के इस में क्या होगा ना? इसको केवल केवल एसिड ही अफेक्ट कर सकता है ये आपका कैसा होता है एसिड सेंसिटिव अब देखो एक बार आपने ये लिंकेज बना दिया तो आप यहां एक सिंपल सा काम करो कितने कार्बन देख लो दो कार्बन हैं आप ना अब की बार इसके ऊपर डालोगे लीडियम एल्युमिनियम हाइड्राइट तो ये ना हमारे एसिड लिंकेज को कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा ये खाली हमारे एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसमें कन्वर्ट कर देगा वन डिग्री एल्कोहल में जैसा कि करता है एक बार हमारा काम हो जाए अब देखो हमें यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को वापस से लाना है वो कैसे लाएंगे मैंने क्या बोला ये जो आपका लिंकेज जो होता है एसिड सेंसिटिव होता है ना तो आप यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो ऐसे में क्या होगा देखो आपका ये यह लिंकेज यहाँ से टूट जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपका एथलिन वापस आ जाएगा आपका कार्बोनिल ग्रुप वापस आ जाएगा ठीक है तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा ना कुछ ऐसा आ जाएगा समझ आया ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो आपने यहाँ पे क्या किया प्रोटेक्ट कर लिया कार्बोनिल ग्रुप को ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ग्लाइकोल तो यह आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल यूजिंग ग्लाइकॉल आपको पता होना चाहिए कि वी कैन प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड and ketone यूजिंग glycol ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे ठीक है इसके अलावा देखो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर अगर आपको जेई मेन्स ट्वेंटी के चैप्टर वाइज पी चाहिए वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होंगे आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं कैसे आपको मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर लिखना ईजी केमिस्ट्री जे आपको वहाँ पर मेरा चैनल मिल जाएगा हम अपने चैनल के ऊपर टेन के सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगे आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू